भाई का शादी जस्ट शूट कंप्लीट हुआ है, उसको वीडियो भी हैंड ओवर नहीं किया, उससे पहले जा रहा हूँ फादर सिल्वेस्टर से मिलने, जो कि मेरा रियल नाम है। मैं आज हूँ यहाँ घुटियापर पारिस में, जो कि मेरे यहाँ का मिशन एक संस्था होता है। तो हमारे फादर जी जय सो, जय सो, और सभी दोस्तों को जय सो, जय सो। तो यहाँ के कुछ भाई लोग हैं फादर के हेल्प करने के लिए यहाँ पास रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ आज, जो कि फादर जी से छोटी उनकी बहन जो है वो भी सिस्टर बन चुकी है, समाज सेवा कर रही है। तो उनका एक त्यौहार होता है, मतलब वो 25 वर्ष अभी अपना कंप्लीट कर चुकी है सेवा देते देते। तो इसको जुबली कहते हैं, सिल्वर जुबली कहते हैं हिंदी में, बोलो शुद्ध हिंदी में तो रजत जयंती। तो उसका एक क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि एक याद है यार, कहीं अब पेन ड्राइव में रखोगे, लैपटॉप में रखोगे, फ़ोन में, तो फ़ोन चोरी हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, डाटा डिलीट हो जाएगा। यदि यूट्यूब में सेव रहे तो लाइफ टाइम चाहे कोई भी कभी भी उस वीडियो को ओपन करके देख सकता है। बस यही उद्देश्य है, फादर जी चाहते हैं कि मैं उनका वीडियो हमेशा के लिए स्टोर करूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब प्यार देंगे, और यदि आप अंबिकापुर डायसिस मतलब धर्म प्रांत अंबिकापुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और सब तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे के लिए प्रभु दिला बना ले।
मेरा राजी माजीनु खेल राजी माजेनु माना ने कन धर में मांगायो गये मेरा राजी माजीनु खेल राजी माजेनु माना ने कन धर में मांगायो उसको वीडियो भी हैंड ओवर नहीं किया, उससे पहले जा रहा हूँ फादर सिल्वेस्टर से मिलने, जो कि मेरा रियल नाम है, और मेरे एक फादर है पल्ली पुरोहित, मतलब चर्च के फादर, तो बहुत अच्छे मेरे एक टीचर है, गुरु जी है, तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। उसका एक खास रीजन है, थोड़ा सा वेट करो। खास रीजन क्या है, शायद मैं टाइटल पहले बता दूं, पर मन कर रहा है कि ना बताओ, थोड़ा सा वेट करो। और जितने मिशनरीज हो, मतलब मैं चर्च जाता हूँ, तो जितने भी चर्च जाते हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो हो सकता है आने वाला वीडियो, तो थोड़ा सा वेट करो, है ना, और शेयर कर देना, आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। सॉरी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सुबह के अभी 8:30 बजने जा रहे हैं, और ये हमारी हाया भूसा खड़ी है, और मैं इसमें से जाऊँगा। ये है करीबन, आपने कासा बेल सुना होगा, तो वही वाला रास्ता है, शॉर्टकट मारते हैं अपन इसमें से। हमारी यूट्यूब की जनता एक्साइटेड यार, अकेले ट्रैवल करने में इतना मजा आता है ना, मैं क्या ही बोलूं। आधा रास्ता आ चुका हूँ मैं, ये रास्ता साथ पत्थर गाँव लेके जाएगा, तो मुझे इस वाले रास्ते पे जाना है, और ये पीछे साइड से जो मैं अभी आ रहा हूँ गड़ाबारी हमारे मामा के घर से, तो मैं पहुँच चुका हूँ अंदर, चर्च बैठे हैं इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता, है ना। बहुत घुमाया, बहुत चक्कर काटा, एक बार सिर्फ इससे पहले यहाँ आया था, अभी दूसरे दोस्तों के भरोसे इस बार रास्ता भूल गया था, तो सुबह से चक्कर काट रहा हूँ, 1 घंटा ऑलमोस्ट लेट चक्कर रास्ता ढूंढने में। कोई नहीं, चर्च तो नहीं पहुँचा पाया, पर जिस काम से आया वो काम करके जाऊँगा, है ना। ये रहा यहाँ का गेट, और यहाँ का कुछ नज़ारा चर्च घर। देखा था मैं, कुछ तो फादर जी मेरे लिए खुद खाना निकाल रहे हैं और अंडा उबाल रहे हैं, चलो उनका प्यार है, धन्यवाद उनको। तो मैं पहुंच चुका हूँ, सुबह के 9:30 बज रहे हैं, आज बड़े दिनों बाद मैं टाइम पे खाना खा रहा हूँ, इससे पहले कभी रात हो जाता था, सीधे शाम के 6 बजे मेरा सुबह का नाश्ता होता था, खाना होता था। आज भाई लोगों की बदौलत आज मैं कुटिया पर पारिस में फादर के, मतलब जहाँ वो अपना सेवा दे रहे हैं, तो अच्छा लगा सबसे मिलके, और कुछ चीज़ें आपको शेयर करना बचाए, पहले खाना खा लेते हैं, ठीक ना, बड़ी जोर से भूख लगी है।